हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश होजा। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कंपेयर ऑफ लिस्ट होता क्या है, यानी कंपैरिजन ऑफ लिस्ट, व्हाट इज मीन ऑफ। आप समझिए, सपोज करो मेरे पास दो लिस्ट हैं जिसमें L1 के अंदर वो वैल्यू है जो L2 के अंदर है, यानी कि L1 L2 सेम वैल्यू को होल्ड करे हुए हैं। सपोज करो मैंने इनको चेक किया प्रिंट हेल्प की हेल्प से, L1 इक्वल इक्वल L2। इसका मतलब आप समझते हैं कि L1 चेक करेगा, ये आपका इक्वल इक्वल चेक करेगा कि L1 के अंदर जो वैल्यू है आपके वो L2 के अंदर है नहीं है, यानी कि इक्वल इक्वल चेक करता है फॉर वैल्यूज आर सेम और नॉट इन मेमोरी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप समझिए। देखिए, इसका आउटपुट आया आपका ट्रू। ट्रू मीन्स यानी कि वैल्यू सेम है। देखिए, आप समझ गए, इसका आउटपुट आपका क्लियर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो क्या आपका इक्वल इक्वल जो चेक करता है वैल्यू के बेस पे। अब नेक्स्ट एक को प्रिंट मैसेज करके मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि L1 इज L2। देखिए, रन कीजिए, मैंने रन किया तो ये फॉल्स होगा। देखना नीचे सेकंड स्टेटमेंट, देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करता है आपका किस लिए, यू आपकी वैल्यू को सेम करता है, यानी कि इक्वल इक्वल आपका प्रायोरिटी देता है वैल्यूज को और इज प्रायोरिटी देता है आपको किसको, लोकेशंस को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इज चेक फॉर एड्रेस प्लेसेस आर सेम और नॉट इन मेमोरी। ओके फाइन, अब हम ना आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया कि इक्वल वर्सेस इज क्या अंतर है दोनों में। अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका है एक स्प्लिट मेथड। व्हाट इज मीन ऑफ स्प्लिट मेथड, तो मैं आपको स्प्लिट मेथड बताना चाहूंगा होता क्या है। हालांकि मैं पहले भी स्प्लिट मेथड के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। देखिए, स्प्लिट मेथड में सपोज करो मेरे पे एक यूजर इन्फो करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक नेम दिया हरीश और स्पेस करके उसकी इनकी एज 26 और स्प्लिट मेथड के कहता डॉट split। मैंने इसको स्प्लिट करना चाह, यानी कि मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ और स्प्लिट भी कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ। देखिए कि हरीश और 26 यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द लिस्ट। अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, आपको पता है लिस्ट के लिए आपको एक ही वेरिएबल लगता है, कैसे, मैंने ls लिखा और लिस्ट बना दी, तो यानी कि पूरी एक लिस्ट जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं वो एक वेरिएबल के द्वारा होल्ड कर ली जाती है, लेकिन वो एक लिस्ट के रूप में होती है जिसके अंदर आइटम होते हैं आपके। सिमिलरली यूजर इन्फो भी आपका एक लिस्ट बन जाएगा। अभी एक सिंपल वेरिएबल है, यानी कि आपका यूजर इन्फो के अंदर एक स्ट्रिंग है ओनली, देखिए स्ट्रिंग है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, लिस्ट में, यानी कि ये आइटम को ब्रेक करके हम यूजर इन्फो करके जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करा देंगे और जहां पे यूजर इन्फो कहलाएगा क्या आपका एक लिस्ट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि यूजर इन्फो एक लिस्ट है, क्यों, बिकॉज अब हमने स्प्लिट मेथड लगा चुके हैं। जहां मैंने स्प्लिट मेथड रिमूव किया तो देखिए ये यूजर इन्फो आपका एक स्ट्रिंग शो कहलाएगा। ये देखिए स्ट्रिंग शो कर रहा है, जहां मैंने स्प्लिट मेथड में लगाया तो अब ये आपका लिस्ट बन चुका है। इसको आप रन टाइम की अगर रन करा के देख लीजिए आपका आउटपुट विंडो पे। तो मैंने रन कराया और देखिए हमने इसको प्रिंट कराया यूजर इन्फो को, तो देखिए आपका आउटपुट आएगा। ओके, इसको मैंने कमेंट करना भूल गया हूँ, पहले दो लाइनों को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब कंटिन्यू चलते हैं हम लोग। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है आपका हरीश एंड 26। ये पिछला आउटपुट तो उसका ट्रू एंड फॉल्स का इज वर्सेस इक्वल का। ओके, यहाँ पे ये देखिए हरीश और 26 इसका ये आपका लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है आउटपुट, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये लिस्ट, हाँ एक और चीज बता दूं कि मैं इस लिस्ट को, ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो है स्पेस से टूटती है जब इसके अंदर कोई वैल्यू ना दें हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो है आपकी जो वैल्यू जो आपकी आइटम आपने दिए हैं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो आपने आइटम पास किया है एक वैल्यू पास की है उसके बीच में स्पेस होगा वहीं से तोड़ेगा। सपोज करो मैंने स्पेस के बदले यहाँ पर कॉमा लगा दिया, क्या अब ये टूटेगा, देखिए कॉमा क्या है आपका कॉमा, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कॉमा से टूटा नहीं। देखो यहाँ पे इक्वल, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से चालू हुआ, पहले क्या होता सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से चालू होता यहाँ पे बंद हो रहा था, फिर कॉमा हो रहा था, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चालू हुआ फिर बंद हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा एक कंप्लीट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया, यानी कि दूसरी वैल्यू उसकी आए नहीं 20, लेकिन मैं चाहता हूँ अलग अलग वैल्यू होए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे स्प्लिट में जाके यहाँ पे पास करना पड़ेगा कि जहां से कॉमा है वहां से ये टूट जाए, जहां पे कॉमा है वहां से ये ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए आप सेव करो और रन किया, ये देखिए मैंने रन किया तो देखिए जहां पे कॉमा था, अब इस आउटपुट और इस आउटपुट में अंतर करके देखिए इन दोनों आउटपुट में क्या अंतर है, देखिए क्या अंतर है इन दोनों आउटपुट में,
इन दोनों में आउटपुट में ये आपका अंतर है कि हरीश 26 और यहाँ पे हरीश 26 दोनों में ये अंतर है, दोनों कॉमा से सेपरेट हो चुके हैं। ओके फाइन, इसी तरह मान लो मैंने कॉमा करके यहाँ पे स्पेस दिया, तो यहाँ पे भी आपको कॉमा करके स्पेस बताना पड़ेगा कि जहाँ पे कॉमा स्पेस है वहां से वो स्प्लिट कर दे। मैं आपको इनपुट मेथड पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ओके फिर भी आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आपका क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो ये तो आपका एक लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कम्प्लीटली मैं अलग अलग वेरिएबल्स में आए, तो मैंने सबसे पहले इसको अंडू करता हूँ प्रीवियस जैसा स्पेस वाला। ओके अब मैंने अलग अलग वेरिएबल बनाया, एक बनाया आपका यूजर, एक बनाया मैंने आपका क्या यूजर नेम एंड अनदर इज एज, एज एक बनाया आपका नेम, यूजर नेम छोड़ो मैंने सिंपली नेम लिखा, और दूसरा बनाया मैंने आपका एज, यानी कि नेम के अंदर हरीश चले आएगा और एज के अंदर आपका 26। तो ये होता है आपका स्प्लिट मेथड, यानी कि इसने क्या किया जहां पे स्पेस है वहां से उसने एलिमेंट को ब्रेक किया और उनको स्टोर कर दिया, नेम का नेम में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वेरिएबल में जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब मैं इसको रन करना चाहता हूं, तो रन करने के लिए मैंने क्या किया सिंपल नेम लिखा कॉमा करके एज लिख दिया। देखिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आएगी आपकी, ये देखिए क्या कोई लिस्ट आई इस जगह, देखिए क्या कोई लिस्ट आई, नहीं आई, सिंपल हरीश कॉमा मैंने एज किया था तो बीच में एक स्पेस आ गया, क्योंकि कॉमा बाय डिफॉल्ट क्या लाता है आपका स्पेस लाता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं आप चाहें तो इसमें वहां भी कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे कॉमा के द्वारा सेपरेट, तो आप कॉमा भी दे सकते हैं यहाँ पे इस जगह, लेकिन आपको यहाँ पे स्प्लिट मेथड में कॉमा पास करना पड़ा। हाँ लेकिन देखिए मैं यहाँ पे कॉमा पास नहीं कर रहा, पहले लिस्ट में क्या हो रहा था अपन ने कॉमा पास नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे अपन ने कॉमा इंसर्ट कर दिया तो वो एक्सेस कर रहा था वैल्यू को, देखिए एक्सेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब एरर आएगी क्योंकि अब ये लिस्ट नहीं है, ये आपके वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स। पहले क्या होता इतनी वैल्यू अकेला इसी में जा रही थी आपकी, ओके, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है होल्ड करने के लिए। देखिए एरर क्या आ रही है कि नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू, हम दो चाहते हैं लेकिन एक दे रहे हैं, देखो हम दो चाहते हैं एक नेम और एक एज, लेकिन जा के इतनी रही है आपकी एक ही, क्योंकि आप इसको स्प्लिट किया ही नहीं है आपने, स्प्लिट कहां से करना चाहते हैं हम कॉमा से, तो आप यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कीजिए। ओके मैंने कॉमा इंसर्ट कर दिया, देखिए अब इसको सेव किया रन किया, तो देखिए अब जो हरीश एंड 26 रन हो रही है आपकी वैल्यू करेक्ट, तो ये आपका हो गया स्प्लिट मेथड कैसे वर्क करता है। हम इसको रन टाइम पे भी वैल्यू मांग सकते हैं, रन टाइम पे भी मैंने आपको वैल्यू लेना सिखाया था, कैसे आता इनपुट एंटर नेम एंड एज, मैंने दिया एंटर नेम एंड एज, जहां मैंने इसको रन किया तो वो हमसे पूछेगा। अभी मैं क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं और अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए एंटर नेम एंड एज, मैंने बोला हरीश और बाय डिफॉल्ट स्पेस देता है तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, और फिर 26 देखिए आपका, हाँ यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है 26, यहाँ पे आपका कॉमा कॉमा डला है तो आपको कॉमा देना पड़ेगा। देखिए फिर से करते हैं हम लोग, ओके हरीश अब कॉमा करके 26, तो अब सही है ना हरीश 26 आपका आउटपुट आ चुका है, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड के द्वारा वर्क किया गया था आपका। तो ये हो गया आपका स्प्लिट मेथड, आप कैसे भी वर्क कर सकते हैं, कैसे भी आपको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम, ज्वाइन मेथड पे। आप देखिए स्प्लिट मेथड आपका क्या कर रहा था, मैं इसको रफ करता हूं, स्प्लिट मेथड आपको क्या कर रहा था आपको समझ जा रहे हैं क्या कर रहा था आपका, आपको पता है। अब सपोज करो मैं करता हूं ज्वाइन मेथड, अभी ज्वाइन मेथड कैसे वर्क करता है सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक लिस्ट को जो स्प्लिट मेथड में क्या था आपका कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, और कन्वर्ट लिस्ट इनटू स्ट्रिंग किस में, ज्वाइन मेथड में आपका। तो यहाँ पे उनको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, सबसे पहले फर्स्ट मैंने बोला आपके एक लिस्ट है जिसमें एक एलिमेंट दे दिया हरीश एंड अनदर एलिमेंट दे दिया आपका क्या 26 एज दे दिया। मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, इन दो एलिमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, पहले एक लिस्ट का एक ls करके एक वेरिएबल बनाओ। मैं इस लिस्ट ls नाम के एक लिस्ट में जो आपकी वैल्यू को स्टोर कर रखी है दो वैल्यूज को, इनको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या किया सिंपली कहा आपसे कि ज्वाइन किससे करना है आपको, स्पेस से या किसी चीज से या कॉमा से, किससे आप ज्वाइन करना चाहते हो वो आप यहाँ पे पास कीजिए, फिर उसका डॉट और आपको लिखना है ज्वाइन। ओके ज्वाइन आपको क्या ज्वाइन करना है, एल एस नाम की लिस्ट में से जो आइटम है उसमें ज्वाइन करना है, किसकी हेल्प से, कॉमा के द्वारा हेल्प से, सबके बीच में कॉमा आ जाए। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एंड किया ये प्रिंट, जहां मैंने इसको रन किया तो देखिए इसका आउटपुट क्या आया, ये ज्वाइन हो गए कॉमा के द्वारा, देखिए ये ज्वाइन हो गए कॉमा के द्वारा। आप चाहें तो इनको स्पेस के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली आपको कॉमा को हटा के स्पेस देना है, तो देखिए स्पेस के द्वारा ज्वाइन हो सकते हैं। देखो कम्प्लीटली आपको अंडरस्टूड हो, आप समझ में आ रहा है आपको। अब ये हो गया आपका ज्वाइन मेथड,
आपके, क्योंकि ज्वाइन मॉनिटर में लिखा है कि लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एक लिस्ट है जो कम्प्लीटली एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रही है आपका। ये ज्वाइन मेथड आपका इसी तरह से फर्क करता है, चाहे आप जितने एलिमेंट पास करा दीजिए उतने ही एलिमेंट आपका स्टोर होंगे। मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका मोबाइल नंबर 8959 डेट डेट डेट, ओके। मैंने इनको सेव किया, रन किया, तो ये सब क्या हुए, स्पेस के द्वारा ऐड हो गए आपके। देख रहे हैं आपका एक ही लाइन में आपके आ गए, क्योंकि ये ज्वाइन मेथड की हेल्प से एक ही लाइन में कंप्लीट सेक्शन हो गया इनका। तो आप समझे कि कैसे इनको हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहे तो इसको उठा के एक वेरिएबल में भी डाल सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। str नहीं, आप डाल दो msg और पेस्ट कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे डाल दो यूजर इन्फो, और यहाँ पे यूजर इन्फो को प्रिंट करा दो। तो देखिए आउटपुट, कोई परेशानी नहीं आएगी, देखो आपको कोई परेशानी नहीं आई, यही रखा था आपका और यही आपका आउटपुट आया है, आप समझे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आपका कम इक्वल वर्सेस इज वर्क करता है, कहाँ पे आपका इक्वल लगेगा, जहाँ पे आपका सेम मेमोरी हो यानी कि सेम वैल्यू हो मेमोरी में आपकी तो इक्वल इक्वल लगता है, इज का लगता है जहाँ पे आपका एड्रेस प्लेस सेम हो आपका, लेकिन अगर सेम नहीं है वो चेक करता है कि सेम है या नहीं है, वो बताता है आपका ये दोनों अलग अलग एड्रेस पे स्टोर हुई है आपका। तो प्रिंट में L1 इक्वल इक्वल L2, यहाँ पे L1 इज L2, आप समझ में आ रहा। ऐसी स्प्लिट मेथड में हमने वर्क किया, कैसे वर्क करता है, एंड लास्टली हमने ज्वाइन मेथड वर्क किया आपका, ओके। स्प्लिट मेथड कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग टू लिस्ट, और ज्वाइन मेथड वर्क करता है लिस्ट टू स्ट्रिंग। आपको ये रन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो ही आपको प्रैक्टिस, आपको मोर प्रैक्टिस की जरूरत है अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हैं वीडियो देखिए आप, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपका। तो आज की इस वीडियो में इतना काफी है, गुड बाय।